तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी से आज भी ईडी पूछताछ कर रही है और ये पांचवा मौका है जब ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है, जिस दौरान कांग्रेस की नेता अलका लांबा किस तरीके से भावुक हो पड़ी है ये तस्वीरें देखिए। चलिए इस बीच आपको लिए चलते हैं, एनसीपी प्रमुख शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधे वहीं का रुख करते हैं। सर, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से राजनीति तेज हो गई है, शिवसेना के विधायक जो है कई सारे सूरत में पहुंच गए, आपको लगता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को खतरा है, सरकार गिरने वाली है? कि ये जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ ये फिर से दो ढाई साल में दिस इज थर्ड इंसिडेंट, इससे पहले जो हुए थे मुझे याद है कि जब उद्धव ठाकरे जी का सरकार बना इससे पहले कुछ हमारे एमएलएस को उठाकर यहाँ हरियाणा में गुड़गांव में कुछ एरिया में रखे गए थे, मगर बाद में वहाँ से निकल कर वापिस आ गए, सरकार बनाया, सरकार बनने के बाद फिर से ढाई साल सरकार ठीक से चल रहा है। कल वहाँ इलेक्शन था और जहाँ तक एनसीपी है कि एनसीपी के दो कैंडिडेट थे और दोनों कैंडिडेट को जो होटों का कोटा हम लोगों ने दिया था वो पूरी तरह से मिला, एनसीपी का एक भी वोट इधर से उधर नहीं गया, बिल्कुल डिसिप्लिनली हमारे एमएलए ने वोटिंग वहाँ किया और इससे वो जो कुछ कल का इंसिडेंट था इसे हम किसी में हम नाराज नहीं है। एक बात सच है कि हमारे फ्रंट का एक कैंडिडेट वो जीत नहीं सका, वहाँ कुछ वोटों की कमियाँ वहाँ आ गई, मगर ये अन्य पोलिटिकल पार्टी का जो कोटा था और अन्य पोलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी थी उनका कैंडिडेट जिताने के लिए, उसमें कामयाबी नहीं आई, मगर हम वापिस जाने के बाद जरूर हमारे साथियों के साथ बातचीत करेंगे, ऐसे क्यों हुआ और हुआ तो कैसे करेक्ट एक्शन ले सकते हैं इस पर हम ध्यान देंगे। शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे बार बार कह रहे हैं कि उनको सीएम बनाया जाए, इस पर आपकी सहमति है क्या? सरकार संकट में है सर, जिस तरीके से एक मिनट यार चुप रहो, अरे यार सर, जिस तरीके से महाराष्ट्र के भीतर संकट दिखाई दे रहा है, अरे एक क्वेश्चन है जो टाइम होगा ना, वो एक सरकार बचा दिया था, क्या इस बार सरकार आप लोग बचा पाएंगे, उम्मीद है आपको? मुझे यहाँ की जो स्थिति है वो देखने के बाद इससे कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा, इस पर मेरा पूरा भरोसा है। सर, फिर से सवाल करता हूँ, एकनाथ शिंदे बार बार दबाव डाल रहे हैं कि उनको सीएम बनाया जाए, इस पर आपकी सहमति है क्या? भाई ये तो मैं आपसे ही सुनता हूँ, ठीक है, अभी तक उन्होंने हमें या और किसी को कहा है कि मुझे सीएम बनाओ ये मुझे मालूम नहीं, मगर एक बात है कि वहाँ जो एनसीपी प्रमुख शरद पवार को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि पिछले ढाई साल में तीसरी बार सरकार गिराने की साजिश हो रही थी। बाबा, बाबा। पूर्णिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।